पैरोमेटलर्जी में अभी तक हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दिखा है, अब जो है आप देखेंगे कि स्मेल्टिंग क्या होता है, कहां पे होता है, किस टाइप के ओर्स के लिए हम स्मेल्टिंग यूज करते हैं और इसका डेफिनेशन कैल्सिनेशन रोस्टिंग से हटके कैसे है। तो ये सबसे पहले आप देखिए कि स्मेल्टिंग जो हम यूज कर रहे हैं यहां पर इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ, आप लिखिए इसको, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर और मिनरल अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर और मिनरल अबव द मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया, एक फ्यूजिबल मास हमें मिलेगा, एक ऐसा मास जो मोल्टन कंडीशन में है वो मिलेगा। तो ये आखिर हमने ऐसा किया क्यों, और यदि हमने ये स्मेल्टिंग किया तो कहां किया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो यहां पे हम लेंगे फर्नेस जो है ये होता है ब्लास्ट फर्नेस, और ये ब्लास्ट फर्नेस किसका वैरायटी है, शाफ्ट फर्नेस का। शाफ्ट फर्नेस एग्जांपल एक ब्लास्ट फर्नेस जो वर्टिकल होता है, तो ये हमारा फर्नेस हो गया। अभी देखिए जो ओर और मिनरल है उसके साथ इंप्योरिटीज भी हैं, जब ये इंप्योरिटीज को निकालना हो तो हमें ओर के साथ चार्ज में, चार्ज जो हम हॉपर से डालेंगे उसके अंदर, हमें जरूरी है कि कोई ऐसा कंपाउंड डाला जाए जो उस इंप्योरिटी को अलग कर दे। तो जो इंप्योरिटी होता है वो एसिडिक हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है। तो एसिडिक इंप्योरिटी को अलग करने के लिए बेसिक कंपाउंड चाहिए और बेसिक इंप्योरिटी को अलग करने के लिए एसिडिक कंपाउंड चाहिए। ये जो कंपाउंड हमें चाहिए जिसको हम ऐड करेंगे इसको हम कहते हैं फ्लक्स। तो अब हम डिफाइन करेंगे फ्लक्स। ये फ्लक्सेस क्या होंगे, दीज आर द सब्सटेंसेस विच रिमूव्स द इंप्योरिटी, दीज आर द सब्सटेंसेस विच रिमूव द इंप्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजिबल मास। सो यहां पे हम लिख देंगे दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू रिमूव इंप्योरिटीज। आई रिपीट इट, फ्लक्सेस, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू रिमूव इंप्योरिटीज। अभी देखिए फ्लक्सेस भी टू टाइप्स के, तो टाइप से हम क्या लेंगे, एक हम लेंगे एसिडिक फ्लक्स, और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं SiO2, सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। उसी तरह से अनदर फ्लक्स होगा बेसिक फ्लक्स, और ये बेसिक फ्लक्स या तो आप CaCO3 लीजिए या तो फिर इसको हीट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो CaO हो गया। तो यहां पे इंप्योरिटीज के साथ ये फ्लक्स मिलकर जो फ्यूजिबल मास बनाता है वो कहलाता है स्लैग। फिर से देखिए आप, फ्लक्सेस वो सब्सटेंसेस हैं जो हम इंप्योरिटी को निकालने के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी, इससे हमें मिलना है स्लैग, और ये होता है एक फ्यूजिबल मास। क्यों, क्योंकि आपने ओर को हीट किया है अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्लक्स तो हमने देखा कि एसिडिक एंड बेसिक है, उसी तरह से इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज भी हमारे पास, अब ये एसिडिक फ्लक्स कब यूज होगा, जब हम लेंगे बेसिक इंप्योरिटी, बेसिक इंप्योरिटी। अब जैसे मान लीजिए FeO, ये बेसिक इंप्योरिटी है, उसी तरह से एसिडिक इंप्योरिटी SiO2 है। तो आपको देखना पड़ेगा यदि फ्लक्स एसिडिक है तो इंप्योरिटी होना चाहिए बेसिक, यदि फ्लक्स बेसिक है तो इंप्योरिटी होना चाहिए एसिडिक, और जब दोनों कंबाइंड होंगे, और आपको मालूम है टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हमने रखा ही है, अबव द मेल्टिंग पॉइंट है,
तो ये जो स्लैग फॉर्मेशन होता है इसका डेंसिटी कम होता है, इसलिए मोल्टन मेटल फर्नेस के अंदर नीचे होता है और स्लैग उसके ऊपर फ्लोट करते रहता है, उसके ऊपर तैरते रहता है। तो अब ये एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, एक कॉपर के एक्सट्रैक्शन के एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे वहां पे क्या है फ्लक्स और क्या है स्लैग फॉर्मेशन। उसी तरह से आयरन के एक्सट्रैक्शन में भी लेंगे। तो पहले हम लेते हैं इन द कॉपर एक्सट्रैक्शन। इन द कॉपर एक्सट्रैक्शन हम देखेंगे कि यहां पे इंप्यूरिटी जो होता है वो होता है एफयू। और ये एफयू आया कहां से, तो देख लेते हैं। ये देखिए CuFeS2 है, यहां पे हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, यहां से बना Cu2O FeO एंड प्लस SO2। बैलेंस कर देते हैं इसको, 2 FeO, 4 सल्फर है, 4 हमने कर दिया, 8 2 10 और 1 11 है, तो ये 11/2 हुआ। अब हम क्या करेंगे, डबल कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 4, अब ये हो जाएगा 11, 4 है तो फिर इसका डबल हमने किया है इसको, ये हो जाएगा 2, इसके बाद ये हो जाएगा 4, सल्फर है 8, तो यदि ये 8 है तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 16 4 20 और 2 22, तो 11 2 22, ये पूरा आपका जो बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अभी देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है, हमें तो कॉपर चाहिए तो CO2 मिल गए, देखेंगे इसका क्या करना है, लेकिन फिलहाल ये तो बिल्कुल क्लियर है FeO हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब ये हो गया हमारा इंप्यूरिटी। आपको मालूम है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है और नॉन मेटल जो होता है उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। तो ये मेटल ऑक्साइड है इसलिए इंप्यूरिटी है ये, लेकिन कैसा है ये, बेसिक। अब इस बेसिक इंप्यूरिटी को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिडिक फ्लक्स। तो इस फ्लक्स को SiO2 हम लेंगे। इसका मतलब ब्लास्ट फर्नेस में जब हम कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जाएंगे तो वहां ब्लास्ट फर्नेस डायग्राम बनाएंगे, आयरन के एक्सट्रैक्शन में वहां बनाएंगे, दोनों ब्लास्ट फर्नेस अलग अलग हैं। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये हो गया बेसिक इंप्यूरिटी FeO। फ्लक्स कैसा है हमारा, एसिडिक है, तो यहां हो गया एसिडिक फ्लक्स, ये हो गया SiO2। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये FeO और SiO2 जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो स्लैग बनेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा FeSiO3। तो देखिए ये एसिडिक फ्लक्स हमने यूज किया है SiO2, क्यों, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में FeO बेसिक इंप्यूरिटी है और इंप्यूरिटी बेसिक, फ्लक्स एसिडिक, तो स्लैग तो बन नहीं है और ये जो स्लैग है इसका डेंसिटी कम है इसलिए ये फ्लोट करता है। तो अब हम देखेंगे कि स्लैग का क्या फॉर्मूला है, कौन सा स्लैग पूछा जा रहा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में कौन सा स्लैग है, तो वहां पे आपको देखना है FeSiO3 बनेगा। तो फ्लक्स हमने लिया SiO2, ये हमारा हो गया फ्लक्स। आयरन ऑक्साइड जो है इंप्यूरिटी, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है, तो ये हो गया इंप्यूरिटी। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एक फ्यूजबल मास बना और कंपाउंड है FeSiO3, इसका केमिकल नेम होगा फेरस सिलिकेट, लेकिन ये हमारा है स्लैग। लाइटर है, ये मेटल के ऊपर फ्लोट करता है। यहां पे कॉपर के एक्सट्रैक्शन में ब्लास्ट फर्नेस से कॉपर नहीं मिलता है, वहां पे मैट मिलता है और मैट के ऊपर ये जो है FeSiO3 फ्लोट करता है। तो ये हो गया स्लैग फॉर्मेशन किसके अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में। अब इसी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में भी हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं, तो देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में इंप्यूरिटी क्या है, फ्लक्स क्या है। तो यहां पे अब नेक्स्ट हम लिखेंगे इन द आयरन एक्सट्रैक्शन। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि और जो होता है वो होता है Fe2O3, जिसका नाम है हेमेटाइट, मैंने लिस्ट में दिया है सारा नाम। यहां पे जो इंप्यूरिटी है वो SiO2 है, यहां पे इंप्यूरिटी है SiO2, और कैसा ही है इंप्यूरिटी, एसिडिक।
अब ये बताइए यदि इंप्यूरिटी एसिडिक है तो आपको फ्लक्स कैसा चाहिए? बेसिक चाहिए, और बेसिक फ्लक्स यहां पे हम लेते हैं लाइमस्टोन। तो यहां पे फ्लक्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन लेते हैं, और ये हमारा है बेसिक फ्लक्स। उस ब्लास्ट फर्नेस पे फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्नेस यू आर गोइंग टू पुट द चार्ज। चार्ज क्या क्या होता है? ओर होता है उसमें, इसके बाद फ्लक्स होता है, उसके अंदर कोक भी होता है, वो सब चार्जेज है जो हम हॉपर से डाल रहे हैं। अब यहां पे इनके बीच में जो रिएक्शन होता है, तो ये देखिए CaCO3 है। अब यदि मान लिया हम इसको स्प्लिट कर दें तो ये बनेगा CaO+CO2, और ये जो CaO हमें मिला ये रिएक्ट करेगा SiO2 से, और यहां से बनेगा CaSiO3। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट, और ये जो कैल्शियम सिलिकेट है ये हमारा है स्लैग। अब ये बताइए यदि मान ली ये, मैं स्लैग यहां पे लिख देता हूं, यदि ये दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर दें, ये देखिए दोनों रिएक्शन को यदि हम ऐड कर दें तो कॉमनली हमें क्या मिलेगा? ये CaO कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा CaCO3+SiO2, हीटिंग तो है ही, और यहां से बनेगा CaSiO3+CO2। तो देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के अंदर स्लैग है हमारा FeSiO3, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में स्लैग है CaSiO3। तो इस तरह से इस मेल्टिंग में हम जो इंप्योरिटीज है उनको हम अबव द मेल्टिंग पॉइंट हीट करके इन द फ्यूजिबल मास में हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका जो है थर्ड टाइप जो है पायरोमेटलर्जी में, पहला कैल्सिनेशन लिए, फिर रोस्टिंग लिए, और ये था स्मेल्टिंग, जिसमें मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में फ्लक्स क्या है, इंप्यूरिटी क्या है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में भी फ्लक्स क्या है, इंप्यूरिटी, और दोनों में स्लैग फॉर्मेशन क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए।